हे गाइज, अरुण टेल चैनल में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो में सीखेंगे कि एक पर्सनल थंबनेल कैसे बनाएं अपने मोबाइल फोन से। जब न्यू न्यू यूट्यूबर यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए आते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान थंबनेल का होता है। जितने सारे यूट्यूबर हैं वो थंबनेल के पीछे क्यों भागे रहते हैं आपको पता है? थंबनेल के पीछे इसलिए भागे रहते हैं कि वीडियो को वायरल करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान थंबनेल का होता है। जब मैं फर्स्ट बार में वीडियो अपलोड किया था उसमें थंबनेल नहीं लगाया था, लेकिन यूट्यूब पे काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं एक अच्छा सा थंबनेल बना पाता हूँ। लेकिन आप लोग इस वीडियो में चिंता छोड़ दीजिएगा कि थंबनेल नहीं बनेगा, लेकिन इस वीडियो में आप लोग को मैं गारंटी दूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पे कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसी वीडियो को देखने के बाद आप एक अच्छा थंबनेल बना पाइएगा। न्यू न्यू यूट्यूबर को अच्छा अच्छा थंबनेल बनाना चाहिए, क्योंकि न्यू न्यू यूट्यूबर के लिए सबसे बेस्ट थंबनेल इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वीडियो को वायरल करने में न्यू यूट्यूबर को थंबनेल बहुत पूर्ण योगदान रहता है। इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना टाइम थंबनेल पर दीजिएगा। जितने सारे यूट्यूबर हैं बड़े बड़े वो काफ़ी अच्छे अच्छे थंबनेल बनाते हैं। आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद एक अच्छा सा थंबनेल बना पाइएगा। थंबनेल बनाने के लिए आपको बहुत सारे जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा, जैसे कि आपके फोन में एक ऐप डाउनलोड होगा जिसका नाम है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको एक ऐप है जिसका नाम है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब से जितने सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वह वहीं से एक अच्छा थंबनेल बनाते हैं। पिक्सल लैब काफ़ी जाने माना वाले ऐप हैं जो कई सारे यूट्यूबर उसको यूज करते हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि पिक्सल लैब है उससे कैसे एक अच्छा थंबनेल बना पाइएगा HD में या फुल HD में, या YouTube के लिए एक बेस्ट थंबनेल, या कोई भी चीज़ के लिए आप अपने हिसाब से थंबनेल बना पाइएगा। तो चलिए आप लोग को मैं बताता हूँ वीडियो के स्क्रीन पे, फ़ोन की आपके जो स्क्रीन है उस पे, और लाइव पूरा करके बताऊँगा। मैं गारंटी दावा करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आपको ले चलते हैं फोन की स्क्रीन पे, और जितने सारे थंबनेल कैसे बनते हैं यूट्यूब पे वो सारे थंबनेल को मैं पिक्सल ऐप के जरिए बताऊंगा कि थंबनेल कैसे बनता है। तो चलिए फोन की स्क्रीन पे ले चलते हैं आपको। हे गाइज, हम आपको इस फोन के माध्यम से आपको बताएंगे कि यूट्यूब के जो थंबनेल है वो कैसे बनता है और किस ऐप के जरिए बनता है और कैसे बनाते हैं, उसका सिस्टम क्या है जो इतने सारे यूट्यूबर इस ऐप के पीछे पड़े रहते हैं और इसी से थंबनेल बनाते हैं। तो गाइज, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा पता चलेगा कि एक ऐप है जिसके ज़रिए जितने सारे यूट्यूबर हैं, न्यू न्यू यूट्यूबर या कोई भी पुराने यूट्यूबर इसी से थंबनेल बनाते हैं। तो वह ऐप कैसा दिखता है, जैसे कि यह मैं घुमा रहा हूँ, कलर इसके बीच में है, यह ऐप है, इसी से थंबनेल बनता है। तो इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद यह ऐप ओपन बताएगा। तो ओपन बताने के बाद इसको खोलिएगा। जैसे मैं इसको खोलूँगा तो इसका जो सेटिंग है वो ऐसे दिखाएगा, तो न्यू टेक्स्ट लिखा रहेगा। तो आपको इसे डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है। इस बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा तो ओके आएगा, तो ओके कर दीजिएगा। तो देखिए यह डिलीट हो गया। अब आपको अपने थंबनेल का जो इमेज साइज है उसके अनुसार आपको लेना है। तो इमेज साइज लेने के लिए आपको यह
तीन बिंदु दिखेगा साइड में, जैसे कि यहाँ देखिए यह तीन बिंदु है यह साइड में, तो इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इमेज साइज कहेगा चूज करने के लिए, जैसे कि यहाँ देखिए इमेज साइज लिखा है, तो इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको एक जगह क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए यह कस्टम लिखा है, ये एरो का चिन्ह है, इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद इसमें साइज आता है, जैसे कि फेसबुक कवर बनाना है, गूगल कवर बनाना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रोफाइल पिक्चर बनाना, यूट्यूब बैनर बनाना, यूट्यूब थंबनेल बनाना, तो हमको थंबनेल बनाना है, तो इस पे क्लिक करना है थंबनेल पे। उसके बाद 12x80 हो जाएगा और 720 हाईएस एक ये थी हो जाए इसका हाईएस, तो उसको होने के बाद आपको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ साइड में दो झापना की तरह दिखाई देगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कलर पे क्लिक करना है, कलर लिखा है कोन में ये, इस पे क्लिक करना है, और ग्रीटिंग कलर नहीं लेना है आपको, तो ग्रीटिंग कलर हमें नहीं लेना है, तो ऊपर लिखा है कलर, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद वो ऐसा दिखाएगा, तो आपको ऐसे भगाते जाना है, भगाते जाना है, भगाते जाना है, भगाते जाना है, अपने हिसाब से कोई इसमें से कलर लीजिएगा, तो मैं ये वाला कलर लूँगा। उसके बाद सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, और क्लिक करने के बाद आपको एक फ़ोटो लेना है जो अपने थंबनेल में जो आपका वीडियो है, तो आप ही ने लगाइएगा, तो आपके लिए एक फ़ोटो लेना है, तो वो ऐसा फ़ोटो लीजिएगा जिसका बैकग्राउंड पीछे से हटा हो, जैसे कि मैं करके बताता हूँ। तो आपको अपना फ़ोटो लगाने के लिए आपको इस प्लस पे क्लिक करना होगा। इस पे प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको लिखा होगा फॉर्म गैलरी, जैसे कि इस वीडियो में आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा है फॉर्म गैलरी, इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आप अपने गैलरी में चलाइएगा, तो आपको एक कोई फ़ोटो लेना है जो बैकग्राउंड चेंज हो, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यह देखिए यह बढ़ाने वाला है ये बिंदु, और यह घुमाने वाला है, जो ये दिख रहा है ना ये निशान, यह घुमाने वाला है फ़ोटो को, छोट करके आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको पूरा इसका प्रोसेस बताऊँगा, जैसे कि यह देखिए साइड में घूम रहा है, ऐसे करके घुमा लीजिएगा, तो अपने हिसाब से लेना है, तो मैं इसको यहाँ लगा दूँगा साइड में, और यह कौन है बिंदु हरा हो जा रहा है जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो इसको ऐसे कर देना है, अपने हिसाब से बढ़ा लेना है, तो मैं इसको लगा दूंगा इसके साइज, और बगल के स्क्रीन पे टैब कर दूंगा। टैब करने के बाद वो ऐसा दिखाएगा, तो आपको इसमें लिखना है, जैसे कि आप वीडियो बनाए हैं यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं, तो आपको उसी से जुड़ी बात इसमें लिखना है, यह खाली जगह में फ़ोटो के जो बगल में है उसमें, तो आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है और टेक्स्ट पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस पे क्लिक कर रहा है, जैसे कि इस पे ए वाला ऑप्शन इस यहाँ पे दिखाएगा, या स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है इसीलिए इससे तुपाया है पीला वाला कलर से, तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद एडिट आएगा, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ ऑप्शन एडिट, इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको इसे कट कर देना है, न्यू टेक्स्ट लिखा है इसको। उसके बाद आपको लिखना है यूट्यूब से पैसा कैसे कमाए, या कोई भी कैटेगरी पे आप वीडियो बनाए हैं वैसा आपको लिखना है, जैसे कि मैं लिखता हूँ यूट्यूब से थंबनेल कैसे बनाएं,
तो मैं इंग्लिश में लिख दूंगा यूट्यूब यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, बड़ा सा वाई लगाऊंगा, YOUTUBE, यूट्यूब से। अब हिंदी में लिखूंगा इसे, यूट्यूब से पैसा कैसे का यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं लिख रहा हूँ मैं। अपने हिसाब से लिखना है, जिस कैटेगरी पे आपका वीडियो होगा उसी कैटेगरी पे। तो मैं लिखूँगा यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, थंबनेल हिंदी में लिखूँगा यूट्यूब थंबनेल, थंबनेल थंबनेल यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, कैसे 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 बनाएं बनाएं बनाएं। मैं लिख कर आपको बताता हूँ। उसके बाद लिखना है यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए ऐसा आएगा, तो आपको अपने हिसाब से लगा लेना है। जैसे कि मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो यह अच्छा नहीं दिख रहा है, यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, तो इसको डिलीट कर दूंगा। फिर से बॉक्स पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। अब मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो मैं इस पे टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और फिर से एडिट पे क्लिक करूंगा और लिखूंगा यूट्यूब थंबनेल बनाएं 5 मिनट में। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ YOUTUBE यूट्यूब थंबनेल, अब लिखूंगा हिंदी में थंबनेल। अपने हिसाब से लगा लेना है, इसमें जिस कैटेगरी पे आपका वीडियो होगा उस कैटेगरी पे आपको थंबनेल बना लेना है। थंबनेल यूट्यूब थंबनेल लिख के ओके कर दीजिएगा और फिर से इसको स्क्रॉल करते जाइएगा और साइज लिखा होगा, स्क्रॉल करते जाइएगा तो आपको ऐसे साइज लिखा होगा, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यह साइज 40 पॉइंट है, तो अपने हिसाब से ऐसे करेंगे तो यह भागेगा। जैसे 40 39 दिखा रहा है ऐसे ही भागेगा, तो अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लगा लिया, अपने हिसाब से लगा लेना है। तो मैं यहाँ पे लगा लिया, उसके बाद सही वाला ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना है और बगल के स्क्रीन पे टैप कर देना है। उसके बाद इसमें मेन चीज़ यह है कि इसमें फॉन्ट लगाना है, तो इसको स्क्रॉल करते जाइएगा और फॉन्ट लिखा है इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इसमें से कोई फॉन्ट ऐसे भगा कर इसमें से ले सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें से ए लूँगा और ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद इसको यहाँ लगा दूँगा और फिर से स्क्रॉल करते जाऊँगा। उसके बाद स्ट्रोक लिखा है इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद एनेबल कर दूंगा, उसके बाद इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा और सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और फिर से बगल वाले स्क्रीन पे टैप कर दूंगा। अब देखिए मैं लिख दिया यूट्यूब थंबनेल, अब लिखूंगा बनाए 5 मिनट में। तो फिर से प्लस पे क्लिक करूंगा और टेक्स्ट पे जाऊंगा और एडिट पे जाऊंगा और लिखूंगा बनाए 5 मिनट में, 5 मिनट में मिनट में। उसके बाद लिखने के बाद ओके कर दीजिएगा और फिर से स्क्रॉल करते जाइएगा और साइज़ पे क्लिक कीजिएगा और अपने हिसाब से इसको बढ़ा लीजिएगा। जैसे कि मैं ये बढ़ा लिया, 5 मिनट में बनाएं यूट्यूब थंबनेल 5 मिनट में बनाएं। उसके बाद सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको ऐसे स्क्रॉल तक करते जाइएगा और कलर पे क्लिक कीजिएगा और यह कलर ऐसे भगाते जाइएगा। तो मैं लूँगा पीला, अपने हिसाब से इसमें कलर लगाना, तो पीला पे क्लिक करूँगा। उसके बाद सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा
और ऐसे स्क्रॉल करते जाऊंगा और फ्रंट पे क्लिक करूंगा और अपने हिसाब से कोई इसमें से फॉन्ट ले लूँगा। देखिए मैं यहाँ पे ले लिया, छोटा थोड़ा कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको ऐसे करते जाना है और शेडो पे क्लिक करना है और एनेबल कर देना है और ब्लैक लगा लेना है और सही वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हो गया। और इसमें थोड़ा बेटर दिखाने के लिए, इस जो टेक्स्ट को लिखा है उसको बेटर दिखाने के लिए आपको ऐसे स्क्रॉल करते जाना है और स्ट्रोक लिखा है इस पर क्लिक करना है और एनेबल कर देना है और इसको थोड़ा बढ़ा लेना है और सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और बगल वाले साइड पे थोड़ा क्लिक कर देना है। जैसे मैं लिख दिया यूट्यूब से थंबनेल 5 मिनट में बनाए। और एक अपना जो थंबनेल कोई बनाए होंगे उसको यहाँ पे ला दीजिएगा। तो आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है और फॉर्म पर जाना है और कोई थंबनेल आप बनाए हैं उसको लगा लीजिएगा। ऐसे लगाने के बाद कोई बंदा देखेगा जो ये थंबनेल बनाया है या बना कर बता रहा है। जैसे कि मैं इसको यहाँ लगा दूँगा छोटा करके और इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके इसी को थोड़ा यहाँ पे लगा दूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा दिया और इसको स्ट्रोक करना है। जैसे मैं इसको फिर से इस पर क्लिक कीजिएगा जो थंबनेल इस पर लगाए हैं और ऐसे स्क्रॉल करते जाइएगा और स्ट्रोक पर जाइएगा और एनेबल कर दीजिएगा और इसको ब्लैक कर दीजिएगा और थोड़ा शेडो बढ़ा दीजिएगा उजला करके ब्लैक रह दीजिएगा। जैसे कि शेडो बढ़ा दीजिए, इसको भी थोड़ा शेडो बढ़ा दीजिएगा। जैसे मैं ब्लैक बना दिया, उसके बाद सही वाला ऑप्शन में क्लिक कीजिए। देखिए अब पूरा तरह से हमारा थंबनेल है वह बन चुका है। अब देखिए लिखा हुआ मैं यूट्यूब से थंबनेल कैसे, अब इसको सेव करना है। जैसे ये पूरा प्रोसेस आपको मैं बता दिया। अब सेव करने के लिए आपको एक बॉक्स है उस पर क्लिक करना है। जैसे कि यह बॉक्स है, देखिए यह बॉक्स है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद SAVE सेव ASImager लिखा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप सेव टू गैलरी पे क्लिक कीजिएगा तो आपका थंबनेल है वह सेव हो गया। तो आपको मैं गैलरी में जाकर बताता हूँ कि सेव हुआ है कि नहीं। गारंटी है यह सेव हो जाता है। मतलब आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि यह देखिए, यह हमारा जो थंबनेल है वह बन चुका है। ऐसे ही आप लोग बना लीजिएगा, बहुत आसान है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं दे सकता हूँ। थैंक यू।